हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक है सममिति के एलिमेंट्स या तत्व। आज हम सममिति के कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि सममिति को तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं इनको। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित तल, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित केंद्र, और तीसरा क्या होता है आपका सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग है आपके पास में? सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लिख लेना सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आज हमें इन तीनों के बारे में जानना है। इनके बारे में शॉर्ट रूप से टिप्पणियां आती हैं, पूछते हैं। तो पहला है आपका सममित तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप यहाँ क्या डाल सकते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममित तल क्या होगा? देखो सममित तल क्या होता है, आपकी कोई इमेज है जैसे ये है, तो सममित तल एक ऐसा तल होता है, तल भी कैसा? काल्पनिक। ये सारी चीजें क्या है? काल्पनिक है। सममित तल, सममित केंद्र, सममित अक्ष, सब काल्पनिक। सममित तल एक ऐसा काल्पनिक तल होता है जो किसी इमेज को ऐसे दो भागों में बांट देता है कि वे दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। कैसे दो भागों में बांटते हैं कि वो दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो? मिरर इमेज। अब इस एक ही जो इधर वाला भाग है, ये वाला भाग क्या इसका मिरर इमेज है या नहीं है? बिल्कुल है। ये इधर हो गया और ये जो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना मिरर इमेज। एक को ऐसे दो भागों में बांट दिया कि वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। तो ऐसा जो तल होगा वह तल आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वह फॉर्म? वह तल आपकी सममित तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलिए जी, है ना, सममित तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? यह एक काल्पनिक तल होता है। काल्पनिक तल होगा और क्या होगा? ऐसा तल होगा जो किसी इमेज को ऐसे दो भागों में बांट दे कि वो एक दूसरे पर पूर्णतः आरोपित हो जाए, या वो एक दूसरे की क्या कहलाए? दर्पण प्रति इमेजिनरी फॉर्म। तो अब आपको इसमें लिखना है, सबसे पहले आपको इसमें जो चीज लिखनी है वो लिख देते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया क्या है। यह एक काल्पनिक तल है जो अणु को ऐसे दो भागों में विभाजित करता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब हो। और इसमें क्या है, इस तल को दर्पण तल या मिरर प्लान भी कहते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि यह तल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्रकार का पाया जाता है या दोनों प्रकार का हो सकता है। एग्जांपल में देखिए, अब ये ए की हम बात करें, अगर ए को हम ऐसे काटें तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? देखो इसको इस पर अध्यारोपित किया जा सकता है क्या? नहीं। इस पर गोल है, इधर तो ही नहीं गोल, तो इसको हम ऐसे नहीं काट सकते। इसको कैसे काटना है? यानी कि इसमें जो आपका तल होगा, ये तल आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर है, यानी कि वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। ठीक है। बी की बात करें तो बी में ऐसे काटने पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब आएगा। ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर। इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपसे पूछो बी में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या हॉरिजॉन्टल? तो बी में हॉरिजॉन्टल काटने पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब आता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल है। ए में वर्टिकल काटने पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए ए में वर्टिकल क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हम बात करें, और एग्जांपल किसका ले सकते हैं? मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो भी बोल सकते हैं या मीसो। मीजो टार्ट्रिक एसिड आपको पहले भी एग्जांपल में काफी बार बताया है, क्या होता है? COOH, फिर यहाँ से CHOH, CH, OH, COOH, यही होता है ना। तो इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? इसमें होगी, देखो इसको ऐसे काट दे तो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री आया तो आपको यही लिख के आना है, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का सेकंड क्या है? सममित केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे?
सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स सममित केंद्र क्या होता है, सममित केंद्र भी मैंने आपको बताया था तीनों ही क्या है, काल्पनिक है। तो सममित केंद्र भी आपका एक काल्पनिक बिंदु है और यह अणु के बीचों बीच में उपस्थित होगा। देखो केंद्र है तो केंद्र का मतलब तो बीच का भाग ही है, बीचों बीच में उपस्थित होता है। किसी अणु में सभी परमाणु, अणु में जितने भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं से इमेजिनरी लाइन हम बनाएंगे, लाइनें खींचेंगे और वो लाइनें जहां या जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु से सारी लाइनें गुजरती हैं वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित अक्ष। एग्जांपल देखिए बेंजीन, बेंजीन में देखिए बेंजीन में कितने परमाणु है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ यहाँ इन सभी पर कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं हमें पता है। अब हमको प्रत्येक से क्या खींचनी है इसमें लाइन, तो देखिए इससे हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई, इससे ये इमेजिनरी लाइन बनाई, इससे ये इमेजिनरी लाइन, इससे ये इमेजिनरी लाइन, ये सारी क्या इमेजिनरी लाइन है और ये जिस बिंदु पर मिल रही है ये बिंदु आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित केंद्र। यही बिंदु आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है या क्या है, सममित केंद्र है। बोलिए कोई प्रॉब्लम है आपको अब यहाँ इसमें, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखो C2H6 में कैसे देखेंगे, देखो CH2 लगाओ, H CH2H, ठीक है। अब हमें इससे मिलानी है, किससे मिलानी है, C से मिलानी है, इस C से इसके बीच में बंद होगा और इन दोनों के बीच में, ये तो हमें पता है ना। अब हमें इन सभी को मिलाने वाला सममित केंद्र देखना है कि सममित केंद्र कहाँ होगा, तो सममित केंद्र कहाँ होगा, देखो इस कार्बन से ऐसे ऐसे, इस कार्बन से ये इमेजिनरी लाइन बनाई हमने, इस हाइड्रोजन से ये इमेजिनरी लाइन बनाई, इस हाइड्रोजन से ये, तो सारी इमेजिनरी लाइन कहाँ मिली है, इस बिंदु पर, ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कोई प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट देखेंगे सममित एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपके क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट डालो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अक्ष होगा, कैसा अक्ष होगा, जिसको हम 360 डिग्री बटे एन पर घुमा दें तो वही की वही इमेज हमें मिल जाए जो आपकी पहले थी, तो वह आपका क्या कहलाएगा, सममित अक्ष। कितने डिग्री घुमाने पर, 360 बटे एन, एन क्या होगी, भुजाओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ साइड्स, उस इमेज में नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी आपकी, एन होती है। देखिए नेक्स्ट आपको डालना है सममित अक्ष, क्या डालना है, सममित अक्ष, या इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, किसी अणु का सममित अक्ष, इसमें लिखेंगे किसी अणु का सममित अक्ष वह अक्ष होता है, वह अक्ष होता है जो उसे 360 बटे एन, जो या जिसमें लिखो, क्या लिखोगे, अक्ष होता है जिसमें अणु को होता है, जिसमें अणु को 360 बटे एन डिग्री घुमाने पर सेम पहले वाली इमेज
प्राप्त हो, सेम पहले वाली इमेज प्राप्त हो, ठीक है, या सेम वही संरचना प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी, सममित अक्ष कहलाएगी। तो आपके पास में 360 डिग्री बटे एन बराबर क्या हो जाएगा, सी एन, ठीक है ना, 360 डिग्री बटे एन क्या होगा, सी एन। यदि एन बराबर एक तो सी बराबर क्या होगा, सी वन बराबर 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री घुमाने पर हमें वैसी की वैसी आकृति प्राप्त होगी, ठीक है ना। एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन, इसका मतलब है कि यदि हम 360 पर ही घुमाएं तो ही आपको पहले वाली आकृति मिलेगी। यदि एन बराबर दो तो सी टू बराबर 360 बटे दो 180, इसका मतलब आपको 180 पर घुमाना पड़ेगा, ये आपके एंगल ऑफ रोटेशन, 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो आपके पास वही इमेज आ जाएगी, ठीक है। और यदि एन बराबर तीन तो सी थ्री बराबर 360 बटे तीन 120 डिग्री, ये भी आपका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। एग्जाम्पल देने हैं आपको, इसमें देखो इसको हम किस किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं सी, सी से इधर जुड़ा एफ, इधर सी एल, इधर सी एल, इधर बी आर, या फिर आपका जो मन करे वो जोड़ सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हमने इसमें दे दिया बी एफ एफ एफ। देखो यहाँ पर एन बराबर आपके पास थ्री, 120 डिग्री का है, क्या है ये, 120 डिग्री, यानी कि आप अगर 120 डिग्री इसको घुमाओगे तो आपके पास में सेम आकृति प्राप्त होगी। इसको आपने यहाँ क्यों, क्योंकि ये इन सबके बीच में 120 का ही कोण है, जब आपने इसको उठा के ऐसे कर दिया तब भी ये बी एफ थ्री रहेगा। अगर हम यहाँ एफ की जगह सी एल ले ले, यहाँ बी आर ले ले, तब आपका सममित अक्ष नहीं होगा, क्योंकि तब आपकी मिरर इमेज या एक जैसी इमेज नहीं आएगी, तब आपका जो ये समूह जुड़ा हुआ है वो लगाएगा। लेकिन चूंकि तीनों एफ 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 समान है तो इसको 120 घुमा देंगे तो ऐसी ही आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है और इसमें आपका सममित अक्ष है। इसमें सममित अक्ष कितना होगा, इसमें देखो इनके बीच में कितना एंगल है, या फिर इसमें देखो इसको पूरे को ऐसे घुमाओ 180 डिग्री पर, अगर इन दोनों के बीच घुमाएंगे तो सी एल यहाँ और एफ यहाँ, आकृति चेंज हो जाएगी। आकृति चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्यों आनी चाहिए, हम क्या करें इसको बीच वाले को 180 पे घुमा दें, एफ और एच अपना ऐसे कैसे रहेगा, बस ये बीच वाला है ना, इसको कार्बन को इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसको जब 180 पर घुमाया हमने, भाई 180 का यही तो कौन होता है, जब इसको 180 पर घुमाया ये क्लोरीन उधर चला जाएगा, ये क्लोरीन इधर, आकृति वो क्यों हुई, क्लोरीन ही तो चेंज हुआ तो आकृति वो क्यों हुई है। तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 180 होगा इन दोनों के बीच में, इनमें 120 होगा, जो कि आप किन्हीं भी दोनों एफ के बीच में कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सममित अक्ष। आज हमने क्या पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कंप्लीट, इन पर कई बार डायरेक्ट टिप्पणी पूछी जाती है तब आप इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।